इंडिया अभी जाना नहीं मिले अंदर साइड में बंद ही पड़ो। सो भाई लोग रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है इस रूट में। माता सीता जानकी माता के जानकी मंदिर के पास सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल खैनिया खर्क नियर बाई सिंधुली सिंधुली घाटी सिंधुलीगढ़ के पास मैं अभी हूँ। यहाँ से चाय वाय पी के निकलूँगा मैं जल्दी में गाइस, क्योंकि मेरे को बर्दीवासी रूट से बाहर निकलने का है। तो इंडिया में जाते ही उधर गर्मी ज़्यादा है, तो सोच रहा हूँ वहाँ से भागलपुर के रास्ते निकलूँगा और भागलपुर से होते हुए वैसा ही रोड मैप आप लोग को स्ट्रक्चर बताते चलूँगा। तब तक कि अभी जाग गया हूँ और सारा लगेज सेट कर लिया हूँ। आप देख सकते हैं टोटल बैग पैक बड़ा वाला भी सब सेट हो गया, हेलमेट उधर है एंड जैकेट। सो अब 80% जो पैकिंग का काम है वो हो गया है और अब अपन यहाँ से सीधा चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद सीधा रवाना ही हो जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आगे फोकस करूँगा राइड पे और राइड पे ही जाके आपको आगे का स्ट्रक्चर शेड्यूल बताऊँगा कि किस रूट से जाना है, किस रूट को फॉलो करते हुए निकलूँगा मैं। तब तक के लिए चलते हैं चाय पीने। चाय पी के मैं आ गया हूँ अपने रूम में और यहाँ से अब आगे सिंधुली गढ़ी होते हुए बर्दीवास से जनकपुर के रास्ते में इंडिया में एंट्री करूँगा। तब तक कि मैं सारा लगेज बाइक पे बांधता हूँ, बाइक पे बांधने के बाद आगे का अपडेट देता हूँ बाइक पे ही। तब तक यहाँ से निकलते हैं, चाय पी ली, आप लोगों ने देखा कि चाय मैं पी लिया हूँ। तब तक गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का राइड करते हैं स्टार्ट, लगेज बांध के बाइक पे चलते हैं और उसके बाद सारा चलते चलते आपको बताते हैं टोटल डिटेल्स। हाँ चल जाएगा अब। सो भाई साहब मैं निकल गया हूँ अपने होटल से और ये देखो खैनिया खर्क का मार्केट यहाँ से निकल गया रे बब्बा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बज रहा है अभी 9:27। सो अब मैं आगे का सफ़र कर दिया हूँ स्टार्ट, तो आपका आज का राइड करते हैं स्टार्ट। भगवान का नाम लेके जय श्री राम, हर हर महादेव, बम बम भोले, जय बजरंग बली। सो चलो अब अपना ओपनिंग हो गया है आज का, मतलब डे सिक्स होगा शायद, आई डोंट नो। हाँ डे सिक्स ही है मेरा आज। तो गाइज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अभी मैं यहाँ से खैनिया खर्क से निकला हूँ जस्ट, इसके बाद सीधा निकलूँगा खैनिया खर्क से आगे सिंधुलीगढ़ से होते हुए फिर मैं निकल जाऊँगा बर्दीवास, और बर्दीवास से होते हुए जनकपुर होते हुए निकलूँगा इंडिया। तो यही आज का स्केड्यूल है। इंडिया में जाने के बाद हो सकता है कि मैं भागलपुर के रास्ते रांची के लिए रवाना हो जाऊँगा, लेकिन भागलपुर के रास्ते रांची के लिए रवाना होना, हाँ वो भी सही है।
तो सेम प्रोसेस आपको आज का स्केड्यूल बताया हूँ, आज भी सेम प्रोसेस से चलूँगा मैं, जिधर शाम उधर सवेरा वाला जो फॉर्मूला है फिर से लगेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मैं पहुँच पाऊँगा आज के आज रांची। अभी 9:30 हो रहा है और रांची यहाँ से अभी 800 कुछ किलोमीटर है, तो पॉसिबल नहीं है इतना ड्राइव करना। तो इसी के लिए चलेंगे फार्मूला जो होता है जिधर शाम उधर सवेरा वाला जो सिस्टम है वो अपनाऊंगा। लेकिन अभी बाबा बिहार में बहुत गर्मी है, इंडिया में बिहार साइड में तो और ज़्यादा गर्मी होता है, रांची साइड में फिर भी ठीक है। तो कोई नहीं, अब जो मौसम आएगा उसको फॉलो करता है रहूँगा और उसमें सर्वाइव करने का फुल कोशिश करूँगा। कल थोड़ा सा मेरा जो तबीयत था डिसबैलेंस हुआ था, लेकिन जब अंदर से मैं डिसबैलेंस होने के बाद भी इंटरनली स्ट्रांग था, मेंटली स्ट्रांग रहा, और मेंटली स्ट्रांग होने से मैं थोड़ा सा जल्दी रिकवर कर पाया हूँ। नहीं तो एक मन में वो होता ना कि अब मेरा तबीयत ख़राब हो गया, ठीक हो नहीं हो पाऊँगा, तबीयत ख़राब हो गया ठीक नहीं हो पाऊँगा, दवाई खाना पड़ेगा, ये है डॉक्टर दिखाऊँ। तो उस टाइम पे अगर अपन मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे ना, मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आपको जल्दी से तबीयत और डाउन होने लगता है। तो मैं उसको हल्के में लिया, और हल्के में लेने का ही फ़ायदा है कि मैं अभी परफेक्ट, एनर्जी लेवल हाई, और राइडिंग का कॉन्फिडेंस एकदम सेम लेके निकला हूँ। सो चलते हैं आगे का राइड कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो राइड, सो लेट्स गो गाइस, कम ऑन विथ मी राइडर बॉय मी। ये देखो ऐसे लोकेशन पे पहाड़ों में ऐसे इतना खूबसूरत रोड बना देना, ये भी काबिले तारीफ़ ही है, बिकॉज मुश्किल होता होगा यहाँ काम करना वर्कर्स को। आपने देखा ही पोखरा वाले राइड पे, पोखरा साइड में क्या चल रहा है कि एक ज़रा सा राइड के लिए, मतलब एक ज़रा सा रोड ऐसे क्रॉस कर रहा है ना यहाँ से, तो 50 फीट ऊपर से ही पहाड़ को काटना पड़ता है, कट 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 कट। ये देखो मेरे रोड का वो है, कैसे करके ऐसे रिटर्न आ रहा हूँ मैं, और रिटर्न जाना है। व्हाट अ सीन मैन। वाओ, ये देखो पहाड़ का जो हाइट है उसके हिसाब से यहाँ एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिससे अपन बोर्ड जो लगाते हैं जो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो सीधा दीवार पे लगाया जाता है ना, तो यहाँ का वो सीन नहीं है। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए सीधा वो टेरेस छत पे लगाया जाता है ताकि ऊपर से लोग देख सके। सो गुड आइट। ये देखो लोकेशन है यहाँ का, ये रोड है नीचे ऐसे जाने का है। सो भाई लोग, मैं लिया हूँ बनाना 50 का, 50 NC, तो NC 50 का लिया हूँ, 6-7 है, 6-7 पीस है, थोड़ा हार्ड है भाई। वो बोल रही थी लेडी की पका हुआ है, पका हुआ तो नहीं है प्रॉपर, तो कोई नहीं पक जाएगा कुछ दूर जाते जाते इतना गर्मी है ना इधर कि पकना ही है। सो गाइज, अब मैं यहाँ से निकल गया हूँ इंडिया के लिए। अभी बर्दीवास यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, ये जो पहाड़ों का रास्ता है, सिलसिला है, अभी जारी है,
और कुछ देर में ये पहाड़ हो जाएगा सपाट। इंडिया साइड में, इंडिया से जहाँ जहाँ बॉर्डर नेपाल का लगता है ना, उस एरिया में 50 किलोमीटर के सर्कल में, मतलब बॉर्डर एरिया से 40-50 किलोमीटर तक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है अचानक से। ये होता है कि नेपाल प्रॉपर पहाड़ है, तो मतलब आते ही पहाड़ दिखना स्टार्ट हो जाए, तो आपको 50-60 किलोमीटर एंट्री करना पड़ता है नेपाल में, तब आपको पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। तब तक ये भाई लोग, रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है इस रूट में, आप देख सकते हैं मस्त फास्ट चल रहा है यहाँ पे रोड। बर्दीबास अब 35 किलोमीटर और रह गया है यहाँ से, तो रोड कंडीशन इज गुड एंड तो सबका मतलब स्पीड अब बढ़ गया थोड़ा सा, हम लोगों का एवरेज स्पीड हो गया अभी 50, तो अगर 35 किलोमीटर और बचा हुआ है भाई तो आधा पौन घंटा में पहुँच जाऊँगा बर्दीबास। है सो गाइस, बर्दीबास से 8-9 किलोमीटर पीछे पीछे हूँ मैं फिलहाल, और एक रेस्टोरेंट में भी रुका हूँ, हाँ चाउमीन ऑर्डर किया हूँ। खाने का कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था यहाँ पे, इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, तो ऑर्डर में किया चाउमीन। तो चाउमीन मेरा अभी बन रहा है, चाउमीन बनने के बाद खाऊँगा, उसके बाद फिर से राइड स्टार्ट करूँगा। सो गाइस, बर्दीबास यहाँ से 5-6 किलोमीटर बचा हुआ है, और एकदम मैं नियर वाइज देख सकते हैं आप, ये इंडिया बॉर्डर के एकदम नियर वाइज हूँ, मतलब 10-15 किलोमीटर के अंदर में ये इंडियन बॉर्डर आ जाएगा, तो मैं एग्जिट करूँगा। तब तक यहाँ का गर्मी मैं बता रहा हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, बाबा हालत ख़राब हो रहा है, तो जैकेट पहन के रखा हूँ पूरा, एकदम अंदर से स्वेटिंग कर रहा है। तो तब तक फैन इधर चल रहा है, कोई काम का नहीं है फैन, तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और राइड करते हैं। तब तक राइड करते हैं, हवा लगेगा तो शांत रहेंगे। मेरा चाउमीन आ गया जैकेट। बहुत गर्मी है रे बाबा, सो भाई लोग यहाँ से चाउमीन खा के और पानी वानी पी के निकल गया हूँ बर्दीबास के लिए, एंड देख सकते हैं आप इतना टेम्परेचर हाई हो गया है यहाँ का, मत पूछो यार 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 टच करने वाला है अभी, 10 ही बजा है, 11 बजने वाला है, मतलब 12-1 बजे तक ये 40 प्लस रहेगा, तो बहुत गर्मी है रे बाबा इधर जी। तो करना क्या है, सरवाइव करो एंड राइड करो। ये बर्दीबास है और यहाँ से चौराहा है उत्तर पूर्व पश्चिम करके, सो मेरे को लेना है पूर्व, पूर्व की ओर, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, लेफ्ट टर्न। सो गाइस, ये बर्दीबास चौराहा से मैं लेफ्ट ले लिया हूँ, जो कि मेरे को जनकपुर तक ले जाएगी, और इस हाईवे को अब जनकपुर तक मेरे को पकड़े रहना है, और उसके बाद अपना जो बॉर्डर एरिया है इसी रास्ते को आगे चल के मिलेगा। तो बॉर्डर एरिया यहाँ से अभी 30 किलोमीटर दूर है, 30 या 32 किलोमीटर डिस्टेंस का यहाँ से बॉर्डर है, तो चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं महेंद्र नगर पहुँचा हूँ, और महेंद्र नगर जनकपुर से थोड़ा सा 15-16 किलोमीटर पीछे है, और ये महेंद्र नगर का हाईवे देख सकते हैं, धूलीखेल
सिंधुली भिट्टा मोर हाईवे है ये। इस रोड का नाम है धूली खेल सिंधुली भिट्टा मोर रोड। तो मैं अभी उसी रोड पे चल रहा हूँ, मतलब बहुत लंबा नाम है इस रोड का। रोड भी लंबा है, अच्छा सा रोड है। मतलब ये 1 2 3 4 6 लेन है एक्सप्रेसवे। एंड ये देख सकते हैं इधर सपाट एरिया, पूरा खेती वाला जो खेती का जो है लैंड है, खेत फॉर द फार्मर, फार्मिंग के लिए सब टोटल इधर का ज़मीन है। और पहाड़ी क्षेत्र पीछे ही रह गया। अब मैं इंडिया की ओर बढ़ रहा हूँ, तो इंडिया की ओर नेपाल साइड में 50-60 किलोमीटर कहीं भी पहाड़ है नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से जाते हुए ना, जैसे जनकपुर में पहुँचूँगा, तो जनकपुर पहुँचने के बाद मैं आप लोग को एक अपडेट देना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि माता सीता का जो जनकपुर का मंदिर है उसके पास से होते गुजरूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए सॉरी बोलूँगा कि मैं नहाया नहीं हूँ आज, तो वहाँ ठंडी था इसके लिए सॉरी। तो मैं पूजा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगा, दिखा दूँगा मंदिर आप लोगों को। मंदिर के एरिया में जाऊँगा, दिखाऊँगा। तो अगर पार्किंग फैसिलिटी अच्छा रहेगा, पार्किंग का काम मतलब बाइक अच्छे से सेपरेट लग जाएगा, क्योंकि लगेज के साथ हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ बाहर से ही आप लोगों को थोड़ा एक व्यू करवा दूँ, बाहर से एक नज़ारा दिखा दूँ, मंदिर कैसा दिखता है, कहाँ पे है, कैसे है। तो मैं मैप जो है मंदिर के लिए लगाया हूँ, मंदिर से होते हुए भी बॉर्डर एरिया पे अपन जा सकते हैं। तो चलते हैं, अभी श्री राम चौक पे पहुँचा हूँ मैं। और ये श्री राम जी का ये जानकी केवल इंडस्ट्री, मतलब माता जानकी के ही नाम से और भगवान राम के नाम से ही पूरा इलाका बसा हुआ है। तो चलते हैं, अभी जनकपुर में एंट्री करेंगे। सो गाइस, अभी अपन आ गए हैं माता सीता जानकी माता के जानकी मंदिर के पास। और यहाँ पे ट्रैफिक भर गया है भाई, निकल रहा है बस, यहाँ पे पार्किंग एरिया है। यहाँ पे देखो थोड़ा बिजी एरिया है। अरे भाई मैं क्या करूँ, सॉरी, मेरा पता नहीं पीछे कैमरा बंद हो गया था क्या, समझ में नहीं आया गर्मी के रीजन से। तो यहाँ से जानकी मंदिर के लिए राइट टर्न लेना है। तो अभी मैं जानकी मंदिर होते हुए, जानकी का माता का मंदिर घूमते हुए, आप लोगों को घुमाते हुए जाऊँगा बॉर्डर एरिया पे। चल भाई जल्द, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, ये देख सकते हैं, सिर्फ पार्किंग बाइक। ये लंबा चौड़ा बाइक का पार्किंग एरिया यार, लगता है कि मंदिर इधर ही है। इस साइड में देखते हैं कहाँ मंदिर। ओ दिख गया भाई, दिख गया। सो ये हमारे जानकी माता का मंदिर। ये तालाब, गंगा सागर नहीं, अर्गजा पोखरी, ये अर्गजा पोखरी है। यहाँ तो पूरा वो है, बिजी है भाई। यहाँ पे कुछ बनाया गया है महादेव, ये देखो भाई साहब, माता जानकी मंदिर, हमारे भगवान श्री राम का ससुराल। ओहो बड़ा सीन मैन, अंदर जाने का तो है व्यवस्था, लेकिन लगेज के रीजन से मैं कैसे जाऊं। सुबह जब निकलते हैं यहाँ से, पूजा करने का कोई मकसद से नहीं हूँ, बिकॉज टाइम नहीं उतना, फिर से कभी करेंगे। यहाँ से अब मैप लगाते हैं बॉर्डर का। तो जनकपुर पे अपन हैं, यहाँ से राइट साइड से निकलना पड़ेगा शायद। ये देख लीजिए, वन मोर टेक चाहूँगा मैं, लगेज
अब कभी फिर से। सो माता सीता का घर का भ्रमण करवा दिया हूँ मैं आप लोगों को। आप जब मैं पिछले बार आया सॉरी जब एक बार और इससे गुजरा था तो मैं कंफर्म नहीं था कि कौन सा रूट पे जाना है। इसमें नो एंट्री लगा हुआ है भाई, जाना नहीं है। तो चलते हैं इस रूट से देखते हैं। सो गाइस फाइनली अब मैं बॉर्डर एरिया पे पहुंच गया हूं। आप ये देख सकते हैं ये हाईवे जैसे ही एंड होगा तो एग्जिट बॉर्डर इंडिया नेपाल का जो सीमा है एक दूसरे को साझा करते हैं सीमा, एग्जिट और एंट्री दोनों काम उधर से ही होगा। तो अपन बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, बॉर्डर 550 मीटर आगे है, 500 मीटर वहाँ पे देखो चेक पोस्ट। तो देखते हैं यहाँ का क्या सीन है, एग्जिट कैसे होता है। रे बाबा ये देखो बॉर्डर आगे है भंसार डिलक्स, यहाँ से एग्जिट कैसे ले, बाइकर्स के लिए भी बंद है क्या। इंडिया अभी जाना नहीं मिले उधर साइड में, बंद है बॉर्डर। इंडियन बॉर्डर बंद है क्या? बंद है भाई, 3 दिन के लिए बंद है। ए भाई तू बोला था कस्टम वाला नहीं जा नहीं रहे, गाड़ी रोकने के लिए हमने गाड़ी रोकी है। एग्जिट का हेलो सर, कैसे कैसे आदमी बोला है तो बड़का आदमी बोला है। ये देखिए ये नंबर दिया था आपके डीएसपी साहब, ठीक है जाइए सर। एग्जिट करना है मेरे को, नहीं जाइए खोल दो खोल दो। ये भाई ये सब लगेज है। यस आई हैव है पर बांसर परमिट अवेलेबल है। इधर आइए कहाँ तक पहुँचते हो? मनांग मनांग खांगसर नहीं वो बांसर बांसर सब तक है। दिस इज माई परमिट ए सी ए एंड भानसार कल तक है। हाँ अभी कल तक है। थैंक यू कैन आई गो? तो भाई साहब यहाँ पे एक पुलिस वालों ने बोला कि 3 दिन के लिए इंडियन बॉर्डर बंद है। मेरा हालत ख़राब हो गया भाई, एल लग गए भाई मेरे को। मैं जैसे ही ऐसा सुना 3 दिन के लिए इंडियन बॉर्डर बंद है, भाबा भंसार मेरा वो हो गया है, नेपाल कस्टम्स स्टॉप। तो नेपाल का कस्टम वर्क ख़त्म हो गया, अब मैं इंडिया में प्रवेश करने वाला हूँ। फाइनली भारत में आपका स्वागत है। तो इस बॉर्डर पे तो मैं आ चुका हूँ भाई, वेलकम टू इंडिया, दिस माय कंट्री मैन, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। भारत में आपका स्वागत है, वेलकम टू इंडिया, इंडियन कस्टम्स। यहाँ देखो लोग बस से उतर के पैदल जाते हैं। ये इंडियन बॉर्डर क्लोज है क्या? उधर पुलिस वालों ने बताया मुझे। ये देखो यहाँ क्लोज है शायद, ये कस्टम्स वाले को डायरेक्ट ऐसे ही लोग एंट्री कर रहे हैं, किसका पेपर चेक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि गैर कानूनी काम जो बाहरी लोग जो होते हैं ना, जो क्या बोलते उसको सॉरी, गैर कानूनन तरीके से एंट्री करते देश में, तो यही सब बॉर्डर्स को यूज किया जाता है, जहाँ पे
लोगों पुलिस के नज़र से बच के लोग निकल लेते हैं। इधर से देखो भाई कैसे पॉसिबल ही नहीं है संभालना। एग्जिट हुआ है, अब इंडिया में एंट्री करने वाला हूँ मैं फाइनली। क्या हो गया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा।